यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। भगवान श्री राम की नगरी सप्तपुरी में से एक पुरी अयोध्या। सरयू के तट पर बसी अयोध्या, प्राचीन तीर्थस्थली मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका के समान पूजनीय है। इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का उद्भव अयोध्या में हुआ था। प्राचीन काल में कौशल राज्य की राजधानी रही अयोध्या घाटों और मंदिरों की धर्मनगरी है। यहां 14 प्रसिद्ध घाट हैं। नगर की बाहरी झलक से पता नहीं चलता कि यहां घर में मंदिर है या फिर मंदिर ही घर है। सनातन धर्म की परंपरा में वर्ष 2020 पूज्य पावन कालखंड के रूप में अमर हो गया। 5 अगस्त राम भक्तों के लिए पर्व तिथि हो गई। अभिजीत मुहूर्त में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम लला के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया तो दुनिया भर में सनातन धर्मी गर्व और शौर्य के भाव से दमक उठे। जय सिया राम। आज पूरा भारत राममय है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि और शिला पूजन के साथ ही पूरी दुनिया में श्री राम के भक्ति भाव का संदेश भी दिया। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रशासन, पुलिस विभाग के साथ ही अयोध्या नगर निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर आयुक्त डॉक्टर नीरज शुक्ला के निर्देशन में नगर निगम की टीम मनोयोग से तैयारी में लगी रही और भव्य व्यवस्था में सराहनीय योगदान दिया। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और आज की परिस्थितियों में देखते हुए, कोरोना को ध्यान रखते हुए इसको कराया जाना एक निश्चित ही एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सभी की मेहनत से और सभी के प्रयासों से बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ और इसको देश विदेश में सभी जगह सराहा गया। ये बहुत ही एक सौभाग्य का पल था मेरे लिए भी और निश्चित तौर से ये एक यादगार पल मेरे जीवन में भी हमेशा के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 5 अगस्त को भूमि पूजन की तिथि और प्रधानमंत्री के आने की घोषणा की गई तो नगर निगम ने तैयारियों को मूर्त रूप देना शुरू किया। पीएम को साकेत महाविद्यालय परिसर में हेलीपैड पर उतरने के बाद 2 किलोमीटर दूर
हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन और 400 मीटर दूर वापस आकर श्री राम जन्मभूमि पूजन स्थल पर जाना था। ऐतिहासिक कार्यक्रम की व्यवस्था अभूतपूर्व थी, कार्य संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था। नगर निगम को पूरी स्वच्छता के साथ ये सुंदर रहे इसकी व्यवस्था की गई। पूरी अयोध्या एकदम हर्षित थी, उल्लसित थी। इसमें हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से दिन रात अयोध्या में जितना सुंदर हो सकता था त्रेता युग के अनुसार ही पूरे रामायण कालीन अयोध्या को सजाया एवं संवारा। राम नगरी को उसकी गरिमा के अनुरूप सुसज्जित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी। रोड के दोनों तरफ भवनों और दीवारों की रंगाई करने की योजना बनी। चंद दिनों में ये कार्य कठिन था। लॉकडाउन की वजह से सामान भी मिलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन नगर निगम टीम के दृढ़ निश्चय के आगे सब आसान हो गया। सभी ने सांप्रदायिक भेदभाव को दूर कर अपने घर के अगले हिस्से को पीले रंग से रंगवाया। हम सबके लिए जो इस समय यहाँ पे तैनात थे और उनको अपना योगदान देने का मौका मिला, एक बहुत ही सुखद और अनुपम अनुभूति थी। और इसमें चाहे प्रशासन की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, नगर निगम की टीम विशेष करके और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। पूरा प्रोग्राम कोविड सेफ ढंग से सम्पन्न हुआ। पूरे अयोध्या धाम का जो फसाड इम्प्रूवमेंट यानी कि ब्यूटिफिकेशन नगर निगम के द्वारा रातों रात बहुत ही कम समय में किया गया, वो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग भी था और एक बहुत सफल प्रयोग भी रहा। अगले 40-45 घंटों में भूमि पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की व्यवस्था के साथ उन्हें सभी तैयारियों से अवगत भी कराना था। नगर निगम ने दोनों कार्यों को चुनौती के रूप में लिया और समय से कार्य पूरा कर मुख्यमंत्री का भरोसा भी जीता। भूमि पूजन की तैयारियों के साथ ही नगर निगम के पास स्थायी निर्माण की भी जिम्मेदारी थी। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक सप्ताह में मेन होल, सड़कों और नालों की मरम्मत कराई। नगर निगम ने 1500 कर्मचारियों को दो हिस्सों में बांट दिया। साकेत महाविद्यालय परिसर में स्थित हेलीपैड के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुप्तार घाट से चौधरी चरण सिंह घाट और सरयू के 4 किलोमीटर लंबे स्नान घाटों पर 24 घंटे सफाई कराई गई। रामनगरी के 15 वार्डों में 700 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम से अयोध्या नगरी चमक उठी। हमने सभी काम को विभागवार बांट दिया और विभागों को भी सब डिवाइड कर दिया। जैसे वॉल पेंटिंग का काम 4 भागों में बांट दिया गया, पूरे क्षेत्र को एक रंग में रंगने का कार्य। इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि 2-3 दिन इसमें बारिश हो गई, और दूसरी समस्या ये थी कि सभी लोगों से सहमति प्राप्त करनी थी। कुछ लोग स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो जा रहे थे, कुछ लोगों को समझाना पड़ रहा था, तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा टाइम टेकिंग था। 3 शिफ्ट में हम लोगों ने काम करवाना शुरू किया, पूरे क्षेत्र को 4 जोन में बांटा और हर उसमें 25 के आसपास पेंटर लगाए गए हर जोन में। इस तरह 100 से अधिक पेंटर ने लगातार 24 घंटे तक काम करके इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। सरयू के राम पैड़ी तट पर शिलान्यास की पूर्व संध्या पर 1.25 लाख दीप जलाए गए और रात 12 बजे से उन्होंने जब दिए बुझ गए तो उन दियों को हटाने का कार्य किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और 5 तारीख की शाम को फिर दीपोत्सव था, तो ये लगातार जो 48 घंटे की अवधि थी इसमें नगर निगम की टीम ने अथक मेहनत किया। रामनगरी में बंदर, गाय और कुत्तों को मुख्य मार्गों और कार्यक्रम स्थल से हटाना भी एक कठिन चुनौती थी। प्रधानमंत्री की फ्लीट के मार्ग के दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर छुट्टा जानवरों को रोकने का तरीका अपनाया गया। बंदरों को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। नगर निगम ने प्रधानमंत्री के रूट और राम जन्मभूमि परिसर से थोड़ी दूर
7 स्थानों को चयनित किया। सभी स्थलों पर 25 क्विंटल भीगा चना बंदरों को परोसा गया। इस बीच प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के साथ भूमि पूजन और ऐतिहासिक भाषण देकर रामनगरी से प्रस्थान कर गए। नगर निगम अपने 1500 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ इस कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिबद्ध था और सबसे अच्छी बात यह थी कि नगर निगम में जो भी कर्मचारी उपस्थित था, अधिकारी उपस्थित थे, उनको लगा कि अगर इस महत्वपूर्ण क्षणों में यहाँ पर वे पदस्थ हैं तो उनका जो योगदान होगा वह अविस्मरणीय रहेगा। निश्चित रूप से सभी ने अहर्निश इस कार्य को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक जो आयोजन संपन्न हुआ उसमें नगर निगम के सफाई मित्रों एवं अन्य कर्मचारियों की प्रतिबद्धता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अयोध्या नगर निगम ने ऐतिहासिक अवसर पर अभूतपूर्व व्यवस्था कर खुशी का इजहार भी किया। नगर निगम क्षेत्र के 50,000 परिवारों तक रामलला का प्रसाद पहुंचाया। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा।